हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजू फूड एंड फन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा पोहा पराठा, जो कि बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप पोहे का इस्तेमाल किया है। तो इसे अच्छे से हम धो लेते हैं और इसे वॉश करने के बाद पानी से अच्छे से धो लें। तो ये अभी सॉफ़्ट नहीं हुआ है, तो इसे हमें सॉफ़्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एक कप पानी डाल दिया इसमें और थोड़ी देर के लिए हम इसे सॉफ़्ट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉयल्ड आलू यानी कि पोटैटो का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दो पोटैटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से पोहे से मैंने सारा पानी निकाल दिया है और छान कर पानी निकालने के बाद आप इसे अच्छे से मैश कर लें। बहुत ही सॉफ़्ट हो गया है, तो इसे आप अच्छे से मैश करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए आलू यहाँ पे है, तो मैश्ड पोटैटो में हम ये सारा पोहा डाल देते हैं। तो याद रखें, पोहे का सारा पानी बिल्कुल निकाल दें अच्छे से और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप मैश कर लें, मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने आटे का इस्तेमाल किया है जो कि बाइंडिंग इंग्रेडिएंट का काम करेगा। तो आटे की जगह पे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक और 1 मिर्ची को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला भी डाल देते हैं। यहाँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। यहाँ मैंने धनिया पत्ता यानी धनिया कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल किया है, तो चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालें। 1/2 टीस्पून नमक डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। इस समय आप थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि यह सॉफ्ट है। यहाँ मैंने थोड़ा सा बचा हुआ दाल था, मैंने मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चकला लिया है, चकले के ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। इसे डायरेक्टली आप ना बेले चकले के ऊपर, क्योंकि ये चिपक सकता है। तो यहाँ पे मैंने पोहे का जो मैंने बनाया है मिक्सचर, उसको मैं इसके ऊपर रखकर बटर पेपर के ऊपर थोड़ा थिक ही, हमें मोटा ही थोड़ा बेलना है। यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर दिया है और इसके बाद मैंने इसे स्लो फ्लेम पे 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया। अब इसे पराठे को जो हम सेकेंगे, इसे आप बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से आप इसे निकालें और इसमें तवे के ऊपर आप डाल दें और गैस की फ्लेम को आप स्लो ही रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पोहे का जो मिश्रण है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप इसमें और थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में तेल डाल दें या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हम सेक लेंगे जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये बहुत ही क्रिस्पी और ब्राउन हो चुका है और इसे उलट पलट करके आप अच्छे से सेक लें। तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है, इसे बहुत ही आराम से आप इसे प्लेट पे निकाल दें। दूसरा भी मैं आपको एक दिखाती हूँ। इसी तरह से आप एक एक पराठा बनाते जाएं और इसे स्लो फ्लेम पे ही कुक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, मगर बीच से ये सॉफ्ट ही रहता है। तो इसी तरह एक एक करके आप बनाते जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बेल के रखा है, तो इसे बहुत पतला ना बेलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लेट पे इसे सर्व किया है। अब मैं इसे तोड़ करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत यमी लगता है। तो इसे आप अपने मनपसंद रायते के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसे आप अपने मनपसंद रायता या फिर अचार या आप चाहें तो अपने मनपसंद चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऊपर दिए गए हुए आई बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ, टेक केयर।